Hello friends, welcome back to my channel Zikmik Garden. मैं हूँ तीसना, सभी को मेरी प्यार भरी नमस्ते. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेरी गार्डन की टिकोमा प्लांट. बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है, आप देख रही है. हिंदी में जिसको येलो बेल्स कहती है. मेरे पास बहुत सारा है. अभी मैं आप लोगों को मादा प्लांट को दिखा रही हूँ. इससे मैं इस बार बहुत सारा कटिंग डाल रेडी किया था बिजनेस के लिए. बहुत ही इजी टू ग्रो. आप कटिंग डाल से उसको लगा सकती है. मैं ज़मीन में एक प्लांट लगा के रखा हूँ. उसको क्या डाला है, इसमें क्या फर्टिलाइजर मैंने दिया है, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. मेरी वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए. उस प्लांट मादर प्लांट है. अभी फ्लावरिंग होने का टाइम शुरू हो रही है. सितंबर लास्ट में भी फूल शुरू हुआ था, लेकिन ज़्यादा नहीं. अभी ज़्यादा फूल आएगी, फ्लावरिंग हुआ है. अक्टूबर से फरवरी मार्च तक फूल खिलेगी, इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगती है. कोई भी फ्लावर सिर्फ ईयरली वन टाइम फ्लावर खिलती है, लेकिन टिकोमा तीन चार बार फूल आती है. इसमें गार्डन की रोज़ खूबसूरती बढ़ाती है, इसीलिए मुझे अच्छा लगा. आप देख रही है, मैंने पॉट में भी लगा के रखा है, जिसको मैंने ग्रीन हाउस में रखा है. उसको ग्रीन हाउस में रखने से उसका कलर थोड़ी सी लाइट कलर की हो गया है. बहुत ही इजी टू ग्रो, आप लगा सकती है. ज़्यादा केमिकल, ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की भी ज़रूरत नहीं है आप उसको. मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी मैं क्या फर्टिलाइज़र यूज़ किया है. आप ज़्यादा केयर लेने की ज़रूरत नहीं होती है. धूप में आप दिन में तीन बार पानी दीजिएगा. दिन में तीन बार पानी मैं देती हूँ, लेकिन ज़मीन में जो जिसको लगा के रखा हो उसको मैंने पानी नहीं देती हूँ, सिर्फ वन टाइम देती हूँ. आप देखी है, पॉट में लगाने से ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है. आप देखी है मैंने क्या डाल के रखा है. उसको रोज़ मैंने जो सब्जियाँ खाती हूँ उसका छिलका मैं जमा करके रखती हूँ, और कोई भी प्लांट को उसको देती हूँ. मैंने टिकोमा मैं ज़्यादा देती हूँ, और दूसरी फर्टिलाइज़र मैं यूज़ नहीं करती हूँ इसमें. आप देख रही है वास्टेड वेजिटेबल मैं जमा करके जो रखा था इसमें डालती हूँ, और उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है. उसके लिए यही फर्टिलाइज़र ज़रूरत है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र. यही से उसको प्रोटीन मिलती है, फॉस्फेट मिलती है. उसको जो जो उसको चाहिए इसमें से ही सब कुछ मिलती है. आप देख रही है उसको. आप ज़्यादा केयर लेने के लिए ज़रूरत नहीं है. आप थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, कोई भी फंगस इन्फेक्शन हो सकती है. आप कोई भी केमिकल स्प्रे कीजिए ज़रूरत है तो. आप देख रही है मैं ज़मीन में जो प्लांट लगा के रखा है उसको मैं गार्डन साफ करने के बाद जो घास फेंकने वाला हूँ उसमें ही यूज़ करता हूँ. आप देख रही है इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र मैंने नहीं डाला है. आप देख रही है, आप देखिए जो सूख गई जो लीव्स उसमें डाल रही हूँ. और भी एक खूबसूरत फ्लावर आप लोगों को पहले से भी मैं वीडियो बना चुका है, वीडियो बनाया है. उसको मेरे ग्रीन हाउस में रखा है. बहुत ही खूबसूरत फ्लावर, मेरी स्वीट, मेरी फेवरेट ऑरेंज कलर की हिबिस्कस. बहुत सारा अभी फूल खिला है. आप देखिए मेरी वीडियो को अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर. रोज़ मैं आप लोगों को न्यू टिप्स लेके ज़रूर आऊँगी. बाय बाय.